नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यनु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं सोमवार के लिए मतलब फोर्थ नवंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर मैंने निफ्टी अक्टूबर का सॉरी निफ्टी नवंबर का फ्यूचर्स का चार्ट ओपन किया है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो 38.2% में से ये ऊपर गया है, ये 12,000 के ऊपर जा सकता है और नीचे आएगा तो ये 12,000 के ऊपर ये ब्रेक करेगा तो 12,000 के ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा मतलब 12,000 ही फंस सकता है, 12,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ये और भी ऊपर जाएगा, 12,200 तक जा सकता है और नीचे आएगा तो इसको पहले 895 के मतलब मैंने फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, 850 के नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर 750, उसके बाद 650, उसके बाद 550, उसके बाद 400 में ये आ सकता है, उसके बाद 200 पर भी आ सकता है, लेकिन इतना गिरने का अभी चांस नहीं है। ये प्रॉब्ली ये आप मूवमेंट जारी रखेगा, थोड़ा सा बीच बीच में कंसोलिडेशन आएगा, लेकिन इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा 800 में इसका स्ट्रांग सपोर्ट है, 700 में भी इसका स्ट्रांग सपोर्ट है, उसमें 700 के नीचे 11,700 के नीचे निफ्टी फ्यूचर गिरेगा ऐसा लगता नहीं है। और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं देखूंगा तो नेट में स्लो है, आप लोग इन द मीन टाइम इसका प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकते हैं। इस एक्सपायरी में मतलब 6 डेज अभी भी बाकी है, तो इसका अभी करंट स्टॉक प्राइस मतलब निफ्टी अभी चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 11,899 और इसका जो 11,800 में इसका मैंने सपोर्ट पकड़ा है, 12,000 में इसका रेजिस्टेंस पकड़ा है, तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इधर जा मतलब प्रोबेबिलिटी आप में है। बैंक निफ्टी भी अभी करंट 30,364 है और इसका जो 30,000 में इसका सपोर्ट है और 30,500 में इसका रेजिस्टेंस है, तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है। तो देखते हैं, इसका मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, चार्ट दिखा पाऊंगा या नहीं। निफ्टी ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस किया है, तो इसका जो ऑप्शन चेन में इधर निफ्टी का ये बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन था ये 1 के थोड़ा सा ऊपर है, 1.31 ऐसा कुछ है, और इधर देखिए 30,500 में इसका सबसे ज़्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और इधर पुट साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 30,000 में है, तो इधर सपोर्ट है, तो इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कॉल पुट साइड में, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो मतलब इधर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इधर जो इतना शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो इधर कुछ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, तो इधर शॉर्ट कवरिंग जब होगा तो फिर से ये और भी नीचे जा सकता है, तो और भी ऊपर जा सकता है, और इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और इधर बैंक निफ्टी का सॉरी निफ्टी का देखेंगे तो इधर पीसीआर रेशियो 1 से थोड़ा सा ऊपर है, 1.10 ऐसा कुछ है, इधर सपोर्ट है, इधर रेजिस्टेंस है 12,000 में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और पुट साइड में